यूपी के आगरा में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को सुधर जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अपराध करोगे तो भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में ज्यादातर अपराधी बेल वापस कर जेल वापस लौट रहे हैं। तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में ही मत भेजो, अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस तो बस। और इस वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कई बार वहां से मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। 2009 में तो कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को वहां से मैदान में उतार दिया था और अजहरुद्दीन ने मुरादाबाद सीट अपने नाम कर ली थी। अजहरुद्दीन पर सन 2000 में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था और उनके क्रिकेट खेलने पर बैन लग गया था। इसके बाद अजहरुद्दीन ने 12 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी और अजहरुद्दीन पर लगा बैन हट गया था, लेकिन उन्होंने क्रिकेट की पारी छोड़कर सियासी पारी का आगाज किया और 2009 में यूपी की मुरादाबाद सीट से चुनाव जीता था, लेकिन उनका सियासी करियर भी विवादों में रहा क्योंकि उन्होंने 5 सालों में सदन की केवल 2 बहसों में हिस्सा लिया था और सिर्फ 5 सवाल पूछे थे और इसकी वजह से वो विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। लेकिन कांग्रेस ने 2014 में एक बार फिर अजहरुद्दीन को टिकट दी, लेकिन इस बार उनकी सीट बदल दी गई। उन्हें राजस्थान के टोंक से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन 2014 का चुनाव वो हार गए थे। इसके बाद 2019 में अजहरुद्दीन को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से ईवीएम के वोटों की गिनती का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करवाने पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईवीएम के वोटों की गिनती का वीवीपैट मशीन की पर्चियों से मिलान कराने की मांग की गई है। अभी सिर्फ 5 ईवीएम के वोट ही वीवीपैट की पर्चियों से मिलाए जाते हैं। इस बीच ईवीएम पर लगातार सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने चुनाव अभियान के दौरान एक ऐसी तरकीब बता दी जिससे चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जा सके और उनकी इस तरकीब को सुनकर लोग हैरान रह गए क्योंकि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए 5, 10 या 50 नहीं बल्कि एक ही सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवारों को खड़ा होना होगा। दिग्विजय सिंह 33 साल बाद अपने गृह क्षेत्र मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में वादा निभाओ पदयात्रा शुरू की।